जो नैप्स की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इम्प्लीमेंट हो रही है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, एक वाकई इतनी अच्छी स्कीम है जो आज से पहले यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। और डायरेक्ट फायदा इसका यह है कि लगा शॉप फ्लोर के लिए जो मैन पावर हमें चाहिए थी, हम उसके मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको ट्रेन करके अपने पास एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा फायदा स्कीम का ये है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिल रही है कि चलो भाई कुछ एक्सपेंसेस जो हैं गवर्नमेंट बाद में स्टाइपेंड के थ्रू बच्चों को देती है। आईटीआई के साथ लिंक सेटअप हो रहे हैं, आईटीआई में इम्प्रूवमेंट होगी, हमारी इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट होगी और इंडस्ट्री वाले जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है बच्चे को ट्रेन कर पाएंगे, बच्चे को एक एडवांसर मिलेगा। देखिए मेरा मानना यह है कि जो बच्चा आईटीआई से आता है उसको इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होती, जब वो हमारी फैक्ट्री में आता है उसको माहौल पता लगता है कि फैक्ट्री में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या मैं सीख सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। स्ट्राइव में बड़ा अच्छा कंपोनेंट ये है कि हम बच्चों की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो आईटीआई के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं जो बच्चे को एज हेल्पर यूज़ करते थे आज वो बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। इंडस्ट्री की भी कहीं ना कहीं कमी थी, तो इस सारे प्रोजेक्ट में नैप्स में वो कमी भी तो दूर होगी, ताकि जो है इंडस्ट्री बच्चे को लेने के लिए तैयार हो जाए, बच्चा फैक्ट्री में काम करने तैयार हो जाए, सरकार सब्सिडी दे रही है और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है इसके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे और इंडस्ट्री सुचारू रूप से चलेगी। डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो क्लस्टर है इसमें हमने 4 ट्रेड पिकअप किए हैं और जिसमें 140 बच्चे जो हैं हमने विद इन अप टू मार्च जो है एब्जॉर्व करने हैं और ऑलरेडी जो है 38 कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं, बच्चे आने शुरू हो गए हैं, हमने रोजगार मेले में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है और 38 कंपनियां रजिस्टर हो चुकी हैं, 50 का टारगेट है हमारा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जैसे गवर्नमेंट फंड्स रिलीज कर रही है, इस जो टारगेट्स हमें दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको हम पूरा करेंगे और जब ये 140 बच्चे फर्दर मल्टीप्लाई होंगे तो इंडस्ट्री के लिए भी और गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं उसके लिए भी दोनों ही अच्छी फिगर्स होंगी। और मैं काफ़ी होपफुल हूँ, पॉजिटिव हूँ और हमारी जो AIC की टीम है जो इंडस्ट्री क्लस्टर के अंडर ही ट्रेन हो रही है वो बड़े तत्पर है इस बात के लिए कि जो हमें टारगेट्स दिए गए हैं उसको हम अचीव करें।